आज हम मोड निकालना सीखेंगे जिसका फॉर्मूला होता है L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। अब जिसे क्वेश्चन है उसमें ही आपको सब पता चल जाएगा कि L एफ वन एफ टू है क्या चीज। आपको क्या करना है, आपके पास जो फ्रिक्वेंसी गिवन है उसमें देखनी है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 23, उस पर मार्क कर लेना है। अब उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 35 और 45, उसमें ये वाली वैल्यू हुई L की वैल्यू, मतलब लोअर टर्म, और ये हुआ F1 जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हुई, उसके ऊपर वाली टर्म F0, नीचे वाली टर्म F2। जैसे काउंटिंग शुरू होती है 0, 1, 2, वैसे आप इसको कर सकते हैं। और जो H होता है वो होता है क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। जैसे 15 में से 5 माइनस करूँगी 10 आएगा, तो H हो गया 10। अब बस फॉर्मूले में डाल लिए सारी वैल्यूज, L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। पहले आप सब कुछ लिख लीजिए, L की वैल्यू है 35, F0 की वैल्यू है 21, F1 की वैल्यू है 23 और F2 की वैल्यू है 14। अब डालनी है इसमें L, मतलब लोअर टर्म है 35, 35 डाल दीजिए, F1, F1 है 23 और F0 है 21, ऐसे ही 2F1, F1 हुआ 23, F0, F0 की वैल्यू है 21 और ऐसे ही F2 की वैल्यू है 14 इंटू एच। एच मैंने निकाला है डिफरेंस 10, 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे 2 डिवाइड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, 35 प्लस 2, इसमें से ये माइनस करेंगे हम 25 माइनस 14 इंटू 10, 35 प्लस 2, 25 में से 14 माइनस करेंगे 11 इंटू 10। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20 अपॉन 11, इसको सॉल्व कर लेंगे 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.8। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 38.8। ऐसे आपका मोड निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।